महिलाओं ने रोका और उन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या जो खास तौर से इनकी थी आवास को लेकर और राशन कार्ड नहीं मिलने से महिलाएं नाराज थीं। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता संजू गुप्ता फोनलाइन पर मौजूद हैं। संजू, आज महिलाओं ने मंत्री जी का काफिला रोका, उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मंत्री जी ने भी जैसा बताया जा रहा है कि भरोसा दिलाया उन्हें कि जल्दी ही उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। क्या उम्मीद है कि इस तरह जो अपनी पीड़ा मंत्री के सामने व्यक्त की महिलाओं ने, तो इसके बाद क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होगी और कब तक होगी? जी जी, मैं आपको बता दूं कि आज मोहम्मद अकबर वन मंत्री अजय जिसी प्रवास पर विभिन्न कार्यक्रम पर आए हुए थे, इसी दौरान आज वो बोल्डा से तरेगांव जा रहे थे। उसी वक्त जब वन मंत्री जब बोल्डा पहुंचे, तब वार्डवासी महिलाओं ने मंत्री के काफिले को रोका और अपनी आपबीती सुनाई। मैं आपको बता दूं कि बोल्डा नगर पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष है और वहां पे कांग्रेस की सत्ता है। इसके पहले भी वहां के जो वार्डवासी वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13 के वार्डवासी अपने आवास, राशन कार्ड और पट्टे को लेकर लंबित मांगे को लेकर वन मंत्री के सामने रखे। इससे पहले भी नगर पंचायत में वो कई बार आवेदन दे चुके थे। इसके पहले भाजपा के जब कार्यकाल था उस समय भी उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाया। जब कांग्रेस की सरकार है तो उसने उम्मीद की थी कि शायद कांग्रेस सत्ता बदलने के बाद उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनकी समस्या दस की तस्वीर रही। जब उनका शब्द का बांध टूट गया तो आज उन्होंने महिलाओं ने सबसे पहले तो मोहम्मद अकबर की काफिले को रोका, फिर उसे तो खरी खोटी सुनाई। मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद अकबर की बातों को सुने और जब वहां के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बोला कि अब तक इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हुई, तो इस पर अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का उचित जवाब नहीं दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद अकबर है लगभग 60,000 वोटों से यहाँ पे जीते हुए हैं, और जो मोहम्मद अकबर जी हैं उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि महिलाओं को और वहाँ के वार्डवासियों की आपकी मांगों को निराकरण जल्दी किया जाएगा और अपनी समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाएगा। अब देखना यह है कि मंत्री के बातों को कब तक अधिकारी अमल पे लाते हैं। इसके पहले भी वनांचल क्षेत्र होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उस क्षेत्र के वार्डवासियों को, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पाया। सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन समस्या जस की तस ही रह गई। चलिए संजू, देखना होगा कि अब मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है महिलाओं को, कब तक उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाता है।